साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शबा उर्दू हिंदी पे। आज हमने वीडियो बना डाली साइंस पे, साइंस क्योंकि कल बच्चों का पेपर है और बहुत सारे बच्चे कोचिंग के कहने लगे भाई सर उर्दू में किसी ने नहीं डाला साइंस का, तो आप साइंस का बना दीजिए और बच्चों के लिए बना। भाई देखो, पहले फॉर्मेट अलग था, फॉर्मेट अलग है। पहले 80 नंबर का आता था ये, अब 40 का आएगा साइंस का। तो अब देखते हैं किस तरह ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मतलब सही के निशान लगाओ, पहले तो ये भी आते थे, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लॉन्ग टाइप आते थे। जैसे ये तहफ़ या पसंद से बचने के लिए चिप्स बनाने वाली कंपनियां चिप्स के बैग में कौन सी गैस भरती है? नाइट्रोजन, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, इसमें इसका आंसर ये है। ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ क्योंकि पेपर है कल, और इतना टाइम नहीं कि आपको एक एक इंडिविजुअली जो है सॉल्व कराया जाए। बुंदेल में से कौन सा निभाता थी हार्मोन? साइटोकाइन, कैनिन, ठीक है। इनमें से कौन सा अमल माहौल दोस्त है? मंदरजा बाला, सही, ठीक है। मंदरजा में सही या गलत पर निशान लगाओ, पहले पे गलत है और देखते हैं सही कौन सा, ठीक है भाई। ये भी गलत है, ये भी गलत, ये सही है। खाली जगह भरने के लिए आ सकती है। जो जब तेजाब किसी धातु से तआमुल करता है तो गैस खारिज होती है, कौन सी? H+। अगर धातु में एक मरकरी हो तो परत को अम्ली गम कहा जाता है। इसी तरह अगले क्वेश्चन है और इनके आगे लिखे। मसनू गर्दा किसे कहते हैं? ज़िंदगी साथ और तकाबली का, ठीक है जी। कुछ इसमें ये क्वेश्चन है, आप दिमाग का कौन सा हिस्सा जिस्म के तवाज़ुन और वज़े को कायम रखता है? पेरी बेलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, सर्किट डायग्राम में इस्तेमाल होने वाले मंदरज अलामतें को पहचाने, ठीक है। तो ये आपको पहचानना है कि किसमें कौन सी आइडेंटिटी और कहाँ होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बरकी रोकी इकाई की तारीफ एम्पियर, ठीक है। लिख लेना भाई बढ़िया से। डायरेक्ट करंट के कुछ ज़राए के नाम बताएं? सेल, बैटरी। शमसी सेल की मरकजी जुजू क्या है? हाइड्रेट सेल शम। अभी इसके बाद ये वाले क्वेश्चन है बड़े बड़े, वजाहत करनी, वजाहत करते हैं जी। हम खाने में प्रोटीन छोटी आंत में ही हजम होता है। प्रोटीन को हजम करने वाले एंजाइम सिर्फ छोटी आंत से निकलते हैं। दावा, वजह, ये सब इसमें लिखी है। हम यहाँ पे ये है सोडियम की कीमियाई नाम और फॉर्मूला लिखो। NaHCO3। बेकिंग सोडे के दो अहम इस्तेमाल बताएं। भाई बेकिंग सोडे का क्या इस्तेमाल होता है? हर बच्चा जानता है भाई बेकिंग सोडा कहाँ यूज होता है ना। बेकिंग सोडे को बेकिंग पाउडर में कैसे तब्दील करते हैं, ठीक है? नाइट्रिक। इसी तरह ये सवाल है, अलमाओं को पानी से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे CO CH2 5 मलकाओ होता है पानी। सोडियम हाइड्रोजन के माहौल को गर्म बनाने के लिए होने वाले तामों, ये लिखा है इसका आंसर। इन धात की मिसाल दीजिए। कमरे की दर्जे हरारत पर रकीक है पारा, जिस चाकू से आसानी के साथ काटा जा सकता है। सोडियम, जिसे चाकू से आसानी, सोडियम पोटेशियम। हरारत का सबसे अच्छा मौसम चांदी, हरारत का सबसे कमज़ोर लीड। वर्क पजीर और तार पजीर से क्या मुराद है? ढूंढ लेना भाई आंसर। सोडियम को मिट्टी के तेल के अंदर डुबो कर क्यों रखा जाता है? जाहिर बात है इस वजह से, ताकि उसमें आग ना लगे, एकदम आग पकड़ लेना। मसावात लिखनी है। लोहे का भाप के साथ तामुल, कैल्शियम और पोटेशियम का पानी के साथ ताम। अभी भाई बहुत है इसमें, ये जो है बहुत अच्छे हैं। इंसान में दौरान को समझाए क्यों ज़रूरी है? ज़ियाई तालीफ में रोनुमा होने वाले वाक़यात लिखे। डायबिटीज़ के मरीजों को कौन कौन सा हार्मोन दिया जाता है? इंसुलिन। अगर सेरिजन सही काम नहीं करते, जिसम का कौन सी सरगर्मियाँ मुतासर होती हैं? बॉडी बिल्डिंग एंड मेंटेन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 2 मीटर लंबाई की एक धात
वो मज़ामत में 25 सेंटीमीटर ओम्स है, अगर क्या होगी? अबे मौसूल की मज़ामत कौन सा मामले पर मुनासिब है? चौड़ाई ज़्यादा होगी तो, लंबाई दुगनी चौड़ाई ज़्यादा हो तो क्या होगा? चौड़ाई ज़्यादा होगी तो 80 होगा। अगला भाई, फ्लेमिंग के हाथ बाएं हाथ का क्लियर लिखिए, बर्फी मोड़ का क्या उसूल है? ठीक है जी। अबे बायोगैस प्लांट का डायग्राम बनाए, देख लेना बायोगैस प्लांट का डायग्राम। हयातियाती ताजुन गैर हयातियाती तजुन पजीर में फ़र्क लिखें, दोनों की मिसाल दें। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश वाले भी देख लें, इंग्लिश वाले भी। हरारत और हरारत खुद तामुल से क्या मुराद है, मिसाल लीजिए। तनफ्फुस की एक हरारत ज़रा तामुल को समझते हैं, वजाहत करें। अब आगे भाई आगे, इन्फोट्रैक ऑक्साइड की क्या है, मिसाल लिखिए। ठीक है, कैल्शियम का मुरतब के नाम लिखिए, पी ओ पी। इखराज की तारीफ बयान कीजिए, गुर्दे की फिल्टरिंग का इकाई का नाम नेफ्रॉन। इंसानों में निज़ाम इखराज की तस्वीर बनाए, मतलब कैसे होता है इंसान दिमाग की साफ़ सुथरी तस्वीर बनाए। बहुत आसान क्वेश्चन, इस तरह के आते हैं, साफ़ सुथरी तस्वीर बनाए। ठीक है, आप जहाँ पे जो है बताना है कहाँ पे कौन सा हिस्सा ही आ जाता है। ठीक है भाई, कहाँ पे कौन सा हिस्सा बताना है, तो देखो यहाँ भरा हुआ भी है और आप खुद से भी इसमें जान भी सकते हैं। ठीक है, तो बुक में देख लेना अच्छे से, ये नहीं कि सारी चीज़ें अभी यहीं बताई जाएंगी। बर्क आलात को बैटरी से सिलसिले और वार तरतीब में जोड़ने के बजाय मुतवाजी तरतीब में जोड़ने के क्या फ़ायदे? ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आखिरी एक आध क्वेश्चन हो रहे, देख मुजमिर फ़र्क को नज़ीर कदरों के लिए हुए मज़ा में फ़र्क बताएं। यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया, उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए।